नमस्कार दोस्तों, मेरे पास ओप्पो का एक फ़ोन है। इसका मॉडल नंबर है ओप्पो का A16 है। CPH दिखाया हुआ है ओप्पो का A16। दोस्तों मैं इसको UMT द्वारा अनलॉक करने वाला हूँ। UMT से कैसे इसको अनलॉक करना है तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और UMT से अनलॉक करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, और मैं आपको दिखाऊंगा। आप पूरा जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। तो ये फ़ोन जो है MTK CPU पे है, MediaTek CPU। ठीक है, अभी ये ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। पहले फ़ोन को कनेक्ट करना है इसे, ताकि वो ड्राइवर अपने आप से जो है डाउनलोड कर ले और अपने PC पे जो है इंटरनेट वगैरह ऑन होना चाहिए आपका। क्योंकि क्या होता है कि लेटेस्ट फ़ोन जो होते हैं उनके ड्राइवर अपडेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हमारे जो है ऑटो अपडेट रहता है, इंटरनेट के माध्यम से ऑटोमेटिक वो ड्राइवर को डाउनलोड करके अपडेट कर देता है तुरंत। अब यहाँ से ये अभी अपडेट जो है इस पर आई नहीं है, लेकिन हम इसको जो है MTK वाले ऑप्शन पे वन क्लिक MTK के ऑप्शन पे जाके और इसको जो है अनलॉक करेंगे। तो अभी देखिएगा मैं कैसे क्या कैसे करता हूँ। पहले मैं एक बार मेटा मोड पे चेक कर लेता हूँ, मेटा मोड पे अनलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने दिखाया कि ये जो है जिस मॉडल का फ़ोन है और जो उनका CPH है वो जो है UMT पे अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैंने सोचा एक बार मेटा मोड से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मेटा मोड भी ये जो है मेटा मोड पे मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये मेटा मोड से भी अनलॉक नहीं होने वाला है। अभी हम इसको जो है वन क्लिक में छोड़ेंगे, इसका जो लॉक है वन क्लिक पे अनलॉक करूँगा। जो मेटा मोड पे जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद में जो है दिखाता हूँ कि वन क्लिक में कैसे अनलॉक करना है। ये जो ओप्पो के कुछ मॉडल है ना जो नई अपडेट अभी MTK पोर्ट पे आई नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द अपडेट दे देगा। UMT डोंगल बहुत ही अच्छी अपडेट देता है, बहुत जल्दी ही अपडेट दे देता है। तो ये बहुत ही बेस्ट डोंगल है UMT की तरफ से। SPD वर्जन भी निकाला गया है, MTK है, क्यूलकॉम है, मतलब सारे फ़ोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से अनलॉकिंग वगैरह, IMEI वगैरह, FRP वगैरह, हर चीज़ को जो है ट्रेसिंग वगैरह करने पे भी UMT सबसे बेस्ट है। तो अभी मैं जो है यहाँ से आपको MTK वन क्लिक पे आना है और यहाँ पे ओप्पो सीरीज पे क्लिक कर देना है। और मैंने जो है इन्फो में चेक किया है और फैक्ट्री डाटा वाला जो होता है फार्मेट FS वहाँ पे कर दिया है। FRP को भी जो है मैंने चेक कर दिया है। अब इसको जो है सिंपल सा स्टार्ट करना है। तो पहले फ़ोन को ऑफ करना है आप लोगों को। जैसे अभी मैंने मेटा मोड पे कनेक्ट किया था तो वो अभी बूट मोड पे होगा, तो मैं उसको जो है अभी बूट से
ऑन करने के बाद जो है फिर से ऑफ करूँगा और यूएसबी को प्लग करूँगा वैल्यूम डाउन और अप बटन दबा के, ठीक है, वैल्यूम डाउन और अप बटन दबा कर ही जो है आप प्लग करेंगे मीडिया टेक ओप्पो के जितने भी फ़ोन हैं। अभी मैं फटाक से पावर ऑफ करके और वैल्यूम डाउन और अप बटन दबा के इसको यूएसबी को प्लग करता हूँ फ़ोन पे। अभी मैंने स्टार्ट पे दबा दिया है और यूएसबी इंसर्ट करना है आप लोगों को और देखते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो फॉर्मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखिए दोस्तों पोर्ट को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे पूरा ये दोस्तों पूरा फैक्ट्री रिसेट इंस्टॉल ने कर दिया, FRP भी रिसेट कर दिया इसने। ये देखिए दोस्तों आपके सामने पूरा डन हो गया है। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये जो है पूरा फॉर्मेट हुआ या नहीं हुआ और देखते हैं कि लॉक जो लगा हुआ था वो अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ, अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा थोड़ा से ज़्यादा बड़ा इसलिए बनाता हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये फेक वीडियो है। मैं 100% रियल वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, ठीक है। अभी फॉर्मेट होने के बाद जो है क्या होता है कि मोबाइल जो है थोड़ा से ऑन होने पे 1 से 2 मिनट लगा देता है। तो थोड़ा से हम वेट करेंगे, तब तक के लिए एक बार और मॉडल दिखाई दे रहा हूँ कि वही फ़ोन का मैं मॉडल जो है जो अनलॉक करने वाला हूँ। ये देखिए ये ओपन हो चुका है दोस्तों। तो अभी अभी जो कोड होता है *813#, तो किसी किसी फ़ोन पे अब ये कोड जो है रन नहीं कर रहा, ठीक है। तो FRP के लिए फिर आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन किसी किसी डिवाइस पे जो है ये अगर वर्क कर रहा है कोड तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको FRP का वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी ये इस पर FRP वगैरह शायद नहीं लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये नया हैंडसेट था और मैं ये आपको इस वीडियो को बनाया मैंने इसलिए है ताकि आपको ये जानकारी दे सकूं कि इसको अनलॉक UMT के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आपको सिर्फ जानकारी दे सकूं। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट सेट है, मार्केट पे नया आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप लोगों का काम हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी मेरी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप मिलेगी।